भाइयों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं द ऑल न्यू फॉक्सवैगन पोलो जीटी लाइन टॉप मॉडल 2021 वेरिएंट। अगर हम गाड़ी की फ्रंट लुक की बात करते हैं तो फ्रंट से गाड़ी दिखने में आपको बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश नज़र आने वाली है। वहीं पे अगर हम गाड़ी के फ्रंट हेडलैम्प की बात करें तो आपको यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे की बात करें तो आपको जो फॉग लैम्प वो भी आपको यहाँ पे हेलोजन ही देखने को मिलता है। आप यहाँ पे शानदार से ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पे ग्रिल देख सकते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा आपको प्रीमियम नज़र आने वाली है। वहीं पर अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, साइड प्रोफाइल में सबसे पहले अगर हम इसके टायर सेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे 195, 55 और 16 इंचेस के यहाँ पे टायर देखने को मिलते हैं। जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टाइलिश नज़र आने वाला है। अगर हम इसके ओवरव्यूज की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे ओवरव्यूम देखने को मिलता है। इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको ओवरव्यूम पे ही दी हुई है। अगर हम इसके डोर ओपनर की बात करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे बॉडी क्लियर ही देखने को मिल जाते हैं। अगर हम गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 168 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। अगर हम इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे 45 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। अगर हम गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, रियर से भी गाड़ी दिखने में आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्टी लुक देने वाली है। अगर हम इसके टेल लाइट की बात करें तो आपको यहाँ पे हेलोजन टेल लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके साथ ही आपको नीचे इसमें जीटी लाइन की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही आपको गाड़ी में रियर वाइपर, डिफॉगर और यहाँ पे स्पॉइलर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके रियर बम्पर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बॉडी कलर बम्पर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। अगर हम गाड़ी के ब्रेकिंग फीचर्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ABS, EBD, हील होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी ब्रेकिंग पावर को एनहांस कर देते हैं। उसके साथ ही अगर हम गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी के लिए आपको गाड़ी में 2 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर वहीं पे अगर हम इस गाड़ी के सेफ्टी रेटिंग्स की बात करते हैं तो आपको ग्लोबल एनकैप में गाड़ी ने 4 स्टार के यहाँ पे सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है। उसके साथ ही अगर हम इसके अदर फीचर की बात करें तो आपको यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम गाड़ी के डायमेंशन में इस गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 3971 mm यहाँ पे गाड़ी की लेंथ देखने को मिलती है। उसके साथ ही अगर हम गाड़ी के कर्व वेट की बात करें तो आपको यहाँ पे 1093 किलोग्राम आपको यहाँ पे गाड़ी का वेट देखने को मिल जाता है। अगर हम ड्राइवर साइड विंडो की बात करते हैं तो आपको इसमें 4 पावर विंडो के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो आपको डोर ओपनर वो आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसी के साथ आपको नीचे एक बोतल होल्डर की प्लेसमेंट भी देखने को मिलती है। ड्राइवर साइड सीट की बात करें तो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का फीचर यहाँ पे सीट में देखने को मिल जाता है। उसी के साथ ही आपको यहाँ पे फैब्रिक सीटें देखने को मिलती हैं। आप अपनी फ्रंट ड्राइवर साइड सीटों का लुक चेक कर सकते हैं। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको गाड़ी के अंदर के फीचर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अगर हम गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे लेदर फिनिशिंग के साथ स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। उसी के साथ ही आपको यहाँ पे वॉइस कमांड के फीचर्स, क्रूज कंट्रोल और आपके वॉल्यूम अप डाउन के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको गाड़ी में डीकर स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जो कि गाड़ी के लुक को बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पोर्टी फील देने वाला है। अगर हम गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ पे टच स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ ही आपको गाड़ी में लेफ्ट साइड आपको रेडियो और मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मोड के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। अगर हम नीचे की बात करें तो आपको यहाँ पे AC के लिए सेपरेट डिस्प्ले का फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिलता है। अगर हम उसके नीचे की बात करें तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। उसके साथ ही आपको 2 कप होल्डर की प्लेसमेंट भी देखने को यहाँ मिल जाती है। अगर हम गियर नॉब की बात करें तो आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे गियर नॉब देखने को मिलता है। आपको गाड़ी में ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स दिया हुआ है। उसके साथ ही आप गाड़ी के ओवरऑल सेंटर कंसोल का लुक चेक कर सकते हैं। अगर हम गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बड़ा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। उसी के साथ आपको यहाँ पे लाइटिंग की प्लेसमेंट भी देखने को मिलती है और आपको गाड़ी में कूल ग्लव बॉक्स का आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है। अगर हम गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक कलर का इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया हुआ है। अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो आपको यहाँ पे एंटी ग्लेयर मिरर देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम इसके ड्राइवर साइड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई मिरर देखने को नहीं मिलता। आपको यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। आप गाड़ी के यहाँ पे रियर सीट को लुक चेक कर सकते हैं। अब मैंने ड्राइवर सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है। चलिए अब गाड़ी के आपको पीछे चलते हैं, आपको गाड़ी के पीछे के स्पेस के बारे में बताते हैं। अगर हम गाड़ी के रियर स्पेस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे लेग रूम देखने को मिल जाता है। थोड़े आपको यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड इशू हो सकता है। अगर हम इसके सेंटर हम्प की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी भी हाइट थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। आप ओवरऑल
रियर सीट से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक कलर का इंटीरियर देखने को मिल जाता है जो कि आपकी गाड़ी का एक स्पोर्टी लुक यहाँ पे देता है। अगर हम इसके हेडरेस्ट की बात करते हैं तो आपको गाड़ी में एडजस्टेबल हेडरेस्ट का यहाँ पे फीचर देखने को मिलता है। अगर हम गाड़ी के ओवरऑल स्पेस और कंफर्ट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दो आदमी आराम से भी रियर में बैठ के जा सकते हैं। थर्ड पैसेंजर को यहाँ पे बैठने में जो मिडिल का होता है उसे थोड़ी बैठने में परेशानी हो सकती है, और वैसे आपको गाड़ी का ओवरऑल कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। चलिए अब गाड़ी के पीछे चलते हैं और आपको गाड़ी के पीछे के स्पेस के बारे में बताते हैं। अगर हम गाड़ी के बूट स्पेस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 280 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपना आराम से लगेज कैरी कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे टूल किट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हम इसके स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो आपको गाड़ी में स्टील व्हील का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जो आपकी एसेसरी है वो भी आपको यहाँ पे गाड़ी में वेल मेंटेन तरीके से देखने को मिल जाती है। चलिए अब गाड़ी के इसके बोर्ड को क्लोज करते हैं और आपको गाड़ी के अदर फीचर्स के बारे में बताते हैं। अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वाल BS6 टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता है, जो आपकी पावर प्रोड्यूस करता है 190 HP की। और आपको जो गाड़ी में टॉर्क देखने को मिलता है 175 Nm। उसके साथ ही आपको गाड़ी में आइसोलेशन का भी सिस्टम देखने को मिलता है जो कि आपकी गाड़ी के इंजन में इसको बाहर नहीं आने देता। अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो आपको इसमें 16 KMPL की यहाँ पर माइलेज गाड़ी में देखने को मिल जाती है। आपको इस सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा इसमें पावरफुल इंजन देखने को गाड़ी में दिया हुआ है। अगर हम गाड़ी के कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि है सनसेट रेड, कैंडी वाइट, कार्बन स्टील, फ्लैश रेड, रिफ्लेक्स सिल्वर। ये आपको यहाँ पे गाड़ी में 5 कलर देखने को मिलते हैं। भाइयों, यहीं तक था हमारा फॉक्सवैगन पोलो 2021 रिटेल एंड वेरिएंट का रिव्यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए चैनल पे डेली ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमने आपके लिए इस सेगमेंट से रिलेटेड बहुत सी गाड़ियों को कवर किया है, उन्हें भी आप चैनल पर जाकर जरूर चेक करिएगा। अगर हम पोलो की बात करें तो हमने आपके लिए कम्फर्ट लाइन, हाई लाइन, ट्रेंड लाइन, उन्हें भी वेरियंट को कवर किया, उन्हें भी आप चैनल पर जाकर जरूर चेक करिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।